स्कूटर स्कूटर कहाँ से? अच्छा इसको अपना स्कूटर चलाना है, अभी चलेंगे चलेंगे, चलो 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 सीधा सीधा चलो। राइट, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग से आफ्टरनून होने में सिर्फ एक मिनट बचा है, 11:59, 12 बज जाएंगे। और आज सुबह हम लोग आराम से सब 9:30 बजे तक सो रहे थे, उठे बिकॉज यू आर टायर्ड। रात को भी आई थिंक 12:30 तो बज गए थे सोते सोते। तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम टनल क्रॉस करके जाएंगे, वो सब लोकेशन देखेंगे, क्योंकि ये लोग को मैं लास्ट टाइम लेके गया था सिस्सू तक, उसके आगे नहीं गए थे। ये रास्ते तो देख के समझ ही नहीं आ रहा, पूरा कच्चा हो गया कि ऐसा कुछ कभी था, इतना चौड़ा रोड था ये पूरा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ वहाँ पे जाएंगे हम पास में। ये देखो जगह जगह से खिसक चुके हैं पहाड़ी। कबीर आपको अच्छा लग रहा है देख के? स्नो में जाओगे? ये पूरा रोड अच्छा खासा बना हुआ था, बिल्कुल मतलब दारचा तक नहीं भी तो एटलीस्ट किलो में पूरा रोड इतना सही था। वेरी नाइस प्लेस है ना। आज एक नई जगह पे आए हम लोग, यूजुअल से हटके थोड़ा, वरना मॉल रोड की तरफ को जाते हैं। तो अभी हमने अटल टनल जाना है, तो इस वाले रास्ते पे ये एक ना ढाबे पे आ गए, शेरे पंजाब। बाहर से बाहर का शॉट दिखाता हूँ कि कौन सा वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो तीन है। ये दूर धीरे धीरे चल रहा है। आ गया हमारा फूड, आ गया। मामू के साथ बैठोगे? मम्मा खिलाएगी ना आपको? तीन ही है ना ये? हाँ तो एक रोटी तो आज का हमारा प्लान मनाली हम इसलिए आए थे क्योंकि इन लोग को टनल क्रॉस करके लाइक आई सेड की सिस्सू तक हम लोग गए थे लास्ट टाइम, उससे आगे ना रास्ता बंद था क्योंकि स्नोफॉल हो रखा था बहुत ज़्यादा। मार्च की बात है। हाँ जी खा लो, खा लो खाना खा लो, मार्च की बात है। सो इस बार ही हम जाएंगे टांडी या खीलोंग। टांडी तो जाएंगे, वहाँ से खीलोंग ज़्यादा नहीं है, 7-8 किलोमीटर ही है। और मेरा मन था उदयपुर जाने का, जब सच पास किया था मैंने वापस आते उदयपुर, मुझे बहुत सही लगा था। तो उदयपुर जाएंगे और देखेंगे अगर वहाँ पे कोई होम स्टे मिल गया रहने का ठीक ठाक, तो वहीं रुक जाएंगे। क्योंकि कल हमने करना है जोगनी फॉल्स का ट्रैक, मैं दो बार ही कर चुका हूँ पहले, बट अगेन इन लोग को लेके जाना है और कबीर का पहला ऑफिशियल ट्रैक होगा वो। चलो जी खाना हो गया हमारा बढ़िया, हम रात तक की हो गई है छुट्टी, एनर्जी आ गई है अब खाना खा के ना, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। चलो जय माता दी, लेट्स रॉक। ये क्या है, ये क्या है, इसको अंदर करो। ब्रिज आ गया कबीर, ब्रिज। सोलांग वैली पहुंच गए हम लोग, ऑलमोस्ट खाली है यहाँ पे, तो कोई टूरिस्ट दिख ही नहीं रहा इस टाइम पे। एक तो मनाली की ऐसी हालत हो गई है, उस चक्कर में आने लगे लोग, और ऊपर से सीजन अभी है नहीं। अब हम ये क्रॉस करेंगे, आ गए टनल के अंदर। माउंटेन्स पे तो है बेटा, आपको पता है कितनी लंबी है टनल? 9 किलोमीटर्स। टनल खत्म। यहाँ तो बहुत स्नो, कितनी सारी स्नो है, आराम से स्नो देखो। सो वो रही टनल, वहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे अब फिर से कुछ ग्रीन टैक्स पे करना है 200 रुपये। वैसे तो ठीक भी है, इतने टूरिस्ट आते हैं पोल्यूशन करते हैं, लेकिन वो 200 रुपये का करते क्या हैं। और ये भाई साहब देखो,
चले जा रहे हैं। चलो चलो देखो वाटर कितना टर्कोइज है, ब्लू है, देखो कितना ब्लू। अभी तो इसको समझ नहीं आएगा टर्कोइज। आगे चलो। हाँ अभी तो आगे तो चलो। इसको पता नहीं क्या कल से माउंटेन की रट लगी हुई है कि मुझे माउंटेन के ऊपर जाना है। ये समझ नहीं आ रहा कि हम माउंटेन के, ये देखो यहाँ पे माउंटेन है ना, हम इस माउंटेन के ऊपर ही तो खड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ही तो खड़े होते हैं। उधर कैसे खड़े हो गए आप, ऐसे कैसे खड़े हो गए बताओ। अरे 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 बस यहीं पे खड़े रहो, वाटर को टच करो, टच करो। अच्छा है, कितना ब्लू है ना। कबीर ऐसे पैर से नहीं। चलो चलें, जल्दी आ जाओ। अरे इसके पत्थर ही खत्म नहीं हो रहे हैं। चलो गया, आ जाओ अब। कबीर आप बात नहीं मान रहे हो ना, नहीं मान रहे ना। हाँ भाई यहाँ तो बहुत ठंडा हो रहा है। बिना जैकेट के सोचा था 2 मिनट बाहर निकलते हैं, लेकिन एकदम से हाथ ठंडे हो गए। अच्छे लग रहे हैं आपका माउंटेन यहाँ पे। ये रहा भाई वो आइकॉनिक सिसु वाला रोड जहाँ पे पेड़ हो चुके हैं कंचे, अक्टूबर तक आते तो फिर वो फॉल वाला सीजन विटनेस कर लेते हैं, येलो लीव्स ऑटम वाली। लाहौल में आपका स्वागत है। अब हम एंटर कर रहे हैं लाहौल। कहाँ एंटर कर रहे हैं कभी? लाहौल। लाहौल। ये है सिसु लेक। अभी हम सिसु में, वहाँ पे वो एक हेलीपैड भी है और पार्किंग स्पॉट है। पिछली बार हम लोग आए थे तो मार्च स्टार्टिंग में आए थे, तो इट वाज ऑल फ्रोजन एट दैट टाइम। वो दिख रहा होगा वहाँ पे एच लिखा हुआ है। और यहाँ पे वाटरफॉल है, सिसु वाटरफॉल। हाँ जी फिश होगी, शार्क नहीं होगी, शार्क नहीं होती यहाँ पे। फिश जी पहुंच गए टांडी, मेरी फेवरेट जगह यहाँ पे। अभी तो सीधा चलो। वेलकम टू टांडी, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रायन भागा रिवर। यहाँ पे मैं कितनी बार आ चुका हूँ और मुझे बहुत अमेजिंग स्पॉट लगता है चिल करने के लिए। अच्छी वाइब है यहाँ की। बहुत बाद में जाके मुझे पता चला था कि यहाँ पे शमशान घाट भी है, बट दैट्स लाइक द डोरवे टू हेवन, यू नो। और पानी का कलर इतना सही है अभी तो। इस साइड से जो रिवर आ रही है ये दीपक ताल से आ रही है, दिस इज़ भागा रिवर। एंड इस साइड से जो आ रही है ये है चंद्रा रिवर, एंड इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे, तो इसका नाम चंद्रा भागा भी है और उसको चेनाब भी बुलाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी शायद मैं भूल जाऊंगा, बट या चेनाब। ओए कभी रेडी हो गया? ये ग्लव्स तो आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्केलेटन वाले। चिप्स। रुक जाओ अभी देंगे चिप्स। आओ फुटबॉल खेलेंगे थोड़ा, अभी खा लेना, सब साथ में खाएंगे। Thank you.
बॉल नीचे चली गई, पता नहीं शायद पानी में ना चली गई। मैं देखता हूँ। बच गई, बच गई। कैसे रुक गई यार यहाँ पे, कमाल है। थोड़ा सा भागने में यहाँ पे एलिवेशन का पता चलता है। अरे चिप्स दे दो भैया ऐसे, कोई पहले चिपस दे दो, चिपस। टोपा पहन लिया, टकले पे ठंड लग रही होगी, हवा चल रही है यहाँ पे। वैसे बाल लंबे होते हैं ना मेरे हमेशा, तो मुझे आज तक कभी ऐसे ठंड इतनी लगती नहीं है हवा से भी। नहीं यहाँ पत्थर नहीं फेंकते बेटा, नहीं नहीं अभी हम ऊपर हैं बहुत। बस चलो चिप्स खा लो, अपने हाथ मत गंदे करो। गंदे हो गए। क्यों करे आपने गंदे, गंदी बेटी। अम्मा ये ले आपके लिए। आ गए। ओए थूक फेंको, अपने ऊपर ही जाएगी। चलो यार यहाँ से चला जाए, अब -1 हो गया यहाँ पे टेम्परेचर, हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। और मैंने अपने ग्लव्स, मेरी तो किस्मत में पता नहीं ग्लव्स लिखे ही नहीं है, लेके आया हूँ तो हेमंत के पास नहीं है, तो खुद ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने दे दिए। चलते हैं, मज़ा आया आज। चले कबीर, अब कहाँ जाएंगे हम? अबे माउंटेन ही तो है भाई ये सारा। वो कल जाएंगे, आने वाला था आज। जाएंगे था बस हमने खोल लिया, हम जिद्दी कर ली पूरी, बंद ही कर दो। हाँ जी, तो कल टांडी के बाद हम आए वापस मनाली, एंड वहाँ पे आके बस खाया पिया सो गए। और उससे पहले हाँ एक बार हम लोग ओल्ड मनाली भी गए थे, वहाँ पे सिड्डू खाया था, अच्छा नहीं लगा। और फिर आज सुबह उठे आराम से वही 9:30 बजे के आसपास, एंड हमारा आज का प्लान था जोगनी फॉल्स जाने का, लेकिन जोगनी फॉल्स कबीर के हिसाब से ना थोड़ा टायरिंग हो जाता है क्योंकि काफ़ी स्टीप है वो, तो फिर जोगनी हमने कर दिया ड्रॉप। एंड अभी हम जा रहे हैं सेथन। अब सेथन का सीन इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा जो ट्रैक है हम कर सकते हैं, हमटा पास का ट्रैक यहाँ से जो जाता है, तो एक जगह है चीका, वो मैंने लास्ट टाइम अपने दोस्त के साथ किया था विजय के साथ, और उसी की प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं कैजुअल मंक्स। तो आई थॉट वो वाला जो ट्रेल है वो थोड़ा स्मूथ है, आई मीन इट्स अ स्ट्रेट ट्रेल, उस पर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, तो कबीर के हिसाब से काफ़ी सही रहेगा। और वहाँ का व्यू भी बहुत फैंटास्टिक है, जोगिनी में तो सिर्फ वाटरफॉल होता। So, जोगिनी इधर और चीका इधर। कभी चलो पी लिया आपने, चलो चलें अब ऊपर चलेंगे फटाफट, सिड्डू खाएंगे, चलो माउंटेन्स पे। हाँ वॉक करना ना हमें माउंटेन्स पे। वहाँ पे जाके देखा सब? मैं पहले गया हूँ, मैंने सब देखा हुआ, आपके लिए सब प्रिपेयर किया हुआ है, चलो चलें। छोड़ दो उसको, मुंह पे लग जाएगा वो। मंकी, मैं तो देख रहा हूँ एक मंकी के बैठा हुआ रेड कलर की स्वेटर में, स्वेटशर्ट में, ये रहा। कबीर आप ऊपर स्नो में जब जाएंगे तो आप वॉक करोगे ना वहाँ पे? डरोगे तो नहीं? नहीं, ये तो नहीं बोलोगे मैं थक गया मामू मुझे गोदी में उठा लो? पक्का?
फिर मैं दोबारा आपको लेके नहीं आऊंगा, पिंकी प्रॉमिस करो। अरे तो विजय हमटाबाद जा रहा था लेकिन वो यहीं दिख गया, मुझे लगा पहुंच गया होगा वो, तो सामने वाली गाड़ी में आऊं, अभी मिलते हैं आगे जाके। What's up? क्या चल रहा है? तेरे लिए यार मैं बोले क्या गोबू गोबू नहीं।